हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। और भाई, मैं आज जल्दी 5 बजे उठ गई हूँ और देखो जो अंधेरा सा रह रहा है। अरे बढ़ाऊँगी सब्जी रोटी, क्योंकि आज अजय को थोड़ा जल्दी जाना है। तो भाई मिलते हैं किचन में, बड़े रहो वीडियो के लास्ट में। तू क्या थी? अनाज तो ना होता नहीं मैं। हाँ गियर तू दे कर ले था। ले भाई मेरी सेवा पानी चल रही है। अर्जी ने खाना हो आ जाओ, न्यू मत कही अपा से तुमने टोके नहीं थे, है ना लक्ष्य था। खाओगे ना तू भी गाजर पा? खाओगी ना? वह मोटो खा के दे दे। नन्नू पापा बेटी पिंडा से हो रहे हैं। है ना? है तू क्या ढूंढा रहा? क्यों तेरी मम्मी का काम बदल लग रहा? तूने बता दे। हैं यार ली है ना? है ले जाएगा इन्हें। चल तू मेरी हेला चल लगी। ठीक है तो थोड़े दिन तक ही चल लगी। आए नू कहे मैं मेरी गला चल लगी, कहेगी थोड़े दिन तक ही चलूंगी। चल ना फिर, और थोड़े दिन मारे रुक लेगी। बतेरे दिन रुक ली थारे लक्षिता, तेरा का सरमाज दिए रहा है पीछे। हाय ये बर्तन बर्तन कर दिए तेने सारे। और भाई ये क्लिप थी हमारी कल की। कल मैं गई थी गुड्डी के पास, क्योंकि हमारी देसी जाटनी वाले चैनल की आ गई है पेमेंट, तो भाई मैं उसको पैसे की जरूरत थी तो फिर मैं उसको दे आई थी, तो इसलिए फिर हम दोनों साथ थे। और भाई बहुत ही बड़ी खुशखबरी है मेरे लिए, क्योंकि भाई अपनी जो चाहे अपनी कमाई चाहे 10 रुपये हो तो भी खुशी हो। अगर यह बात सच्ची कही है किसी ने तो भाई रियली में एक मतलब गुड फीलिंग थी। तो भाई बताना वीडियो कैसी लगी, शेयर ज़रूर करना। तो भाई आज की रेसिपी है हमारी ब्रोकली की, हम ब्रोकली कैसे बनाएंगे तो बने रहो। और भाई करती हूँ मैं, एक बार मैं इसमें कट कर लूँ छोटे छोटे पीसेस में। भाई मैंने ब्रोकली को कट कर लिया छोटे छोटे पीसेस में, ज़्यादा बड़े नहीं लिए हैं। और अब इसको ना हम बॉयल करेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाएगी इसलिए हम इसको बॉयल करेंगे। क्योंकि ब्रोकली को है ना, ब्रोकली बहुत ही हेल्दी होती है, इसको आप मतलब सलाद के रूप में भी तो ले सकते हो, वो भी मतलब बॉयल करके ही ली जाती है। और यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया साथ में घी, तो साथ साथ में हमारा मसाला भी तैयार हो जाएगा। क्योंकि भाई सुबह सुबह है ना बहुत काम हो जाता है और बहुत जल्दी होती है, क्योंकि लंच भी तो तैयार करना है। तो बने रहो भाई, तब तक मैं एक बार इसमें डाल दी हूँ पानी, बॉयल हो गया है मेरा। तो भाई ब्रोकली को मैंने इसमें पानी में डाल दिया है, और तब तक मैं प्याज कट कर लूँ, क्योंकि मैंने कोई तैयारी नहीं की है, पहले इसको ही डाला है। बस ये पीसे हैं टमाटर और लहसुन अदरक भूल गई थी मैं। तो भाई चलो कर लूँ मैं यार, प्याज कट कर लूँ, तब तक साथ साथ मसाला बना लूँ, लेकिन पहले इसको साथ साथ ये बॉयल हो जाएगी। और ब्रोकली को भाई मैंने बॉयल होते हुए ढक दिया है, और तब तक हमारा जीरा मैंने जीरा थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं ज़्यादा डालती हूँ। और जीरा हो गया है भाई, मैं इसको ज़्यादा मतलब ब्लैक ब्लैक ना करा करूँ, मैं थोड़ा ब्राउन ना रखा करूँ, क्योंकि वो ब्लैक ब्लैक फिर बच्चे ना खाते, देखते ना कहेंगे ये क्या मम्मी ये क्या है। और मैंने इसमें प्याज डाल दिए हैं, तब तक प्याज हो जाएंगे। तो फिर मैं सोच रही थी एक बार साथ साथ में इतना आटा गूँध दूँ, और कुछ है ना थोड़े से चाय के बर्तन है तो गर्म पानी ले आई थी मैं पहले बाहर से, मैं क्योंकि है ना गर्म पानी अब सर्दियाँ मतलब भाई बर्तन साफ़ करने थी गर्म पानी चाहिए, तो मैं गर्म पानी ले आया करूँ बाहर तक टंकी में था। और फिर इतना है ना साथ साथ ये सब्जी हुआ इतना बर्तन भी हो जाओ तो गिला गिल काम निमट जाओ, क्योंकि मेरे छोटे बच्चे हैं ना फिर ये मेरे को परेशान करते हैं, किचन में ही खड़े रहते हैं, तो बच्चों को भी संभालना बहुत ज़रूरी हो जाओ साथ साथ में। तो इससे पहले मैंने सोचा अगर बच्चे उठाना है तो मेरा किचन का काम निमट जाओ, चाहे मॉर्निंग का हो चाहे इवनिंग का हो। भाई इवनिंग में भी मैंने इनका फ़ोन देना पड़ा है जब ये मानने हैं, नहीं तो है ना बीच में मतलब किचन में खड़े रहे। तो भाई ये प्याज ब्राउन हो गए हैं, क्योंकि मैं इनको भी ज़्यादा ब्लैक नहीं करूँगी फिर वो गंदे से लग गया करें। तो ये भी मैंने इसमें मिक्स कर दिए हैं ये टमाटर जो मैंने पीस लिए थे मिक्सी में,
ये टमाटर मैंने इसमें मिक्स कर दिए हैं, और इसमें ये मैं मतलब वही में ज़्यादा मसाले यूज़ ना करा करूँ, जैसे इसमें खुशबू तो ही करा कर कई घर तो मैं यूज़ ना करा करूँ, मैं बस सिंपल सब्जी बनाया करूँ। तो इसमें ये मैंने ये टमाटर मिक्स कर दिए हैं, और साथ साथ मैं वो कर दूँगी प्याज मतलब लहसुन गेर दिया था उसमें, और अदरक काट कर डाल दिया था, मिर्च डाल दी थी, तो वो मिक्स करके ही बस इसमें मैं नमक और वो हल्दी डालूंगी। तो वो जब तक मसाला तैयार होगा ना, फिर साथ साथ में मैं आटा गूंद दूंगी, तो इतना आ जाए ना का आ जाओगे, और भाई उनको लेट ना हो, इतना उनका लंच पहले तैयार कर दूंगी। तो ये भी देखो, ये हमारी ब्रोकली है ना तैयार हो गई है। इसको ना थोड़ा सा टाइट रखना है, ज़्यादा मतलब गोभी की तरह नहीं पकाना है, जैसे गोभी को पकाते हैं वो ज़्यादा टाइट वो होगी ना फिर मिक्स ही इसमें कचकच सी हो जाएगी, खाने में टेस्ट ना आवे, तो इसलिए है ना इसको थोड़ा सा कच्चा कच्चा सा ये रखना है, टाइट टाइट सा। तो तब तक मैं आटा भी छान सोचूं थी ला बना दूं जल्दी तय, तो भाई मैं इतना आटा बेया, तो देखो ये हमारा मसाला हो गया था तैयार, और इतना ब्रोकली का पानी भी जो उसके अंदर से निकल गया था, मैंने छलनी में इसको रख दिया था, और अभी मैं इसको मिक्स कर दूंगी और 2 मिनट के लिए ढकूंगी इसको, एक बार मिक्स कर लूँ जल्दी तय, नहीं तो फिर एक हाथ से नहीं हो पा रहा था, क्योंकि फिर है ना स्टैंड पर फ़ोन लगाती हूँ ना तो ज़्यादा दूर हो जाता है, तो कुछ नहीं दिख पाता, इसलिए मैंने पास में ही फ़ोन रखा है। तो अब देखो ये मैंने मिक्स कर लिया है अच्छे से, और इसको 2 मिनट के लिए मैं ढक दूंगी, ठीक है। तो तब तक ये देखो मैंने तवा चढ़ा दिया है, और इसमें घी थोड़ा सा कम था भाई, तो ये उसना डेगची नताऊँगी और तब इसमें घी डालूंगी देसी घी, क्योंकि नोने घी अच्छे नहीं पसंद नहीं, तो मैं ज़्यादा अपना उसे। और देखो हमारी ब्रोकली बस पूरी तरह से तैयार हो गई।